जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़कर होगी 3,000 रुपये। सीएम मनोहर लाल ने कर दिया ऐलान। हरियाणा बोले घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन हटेगी। वहीं आपको पता दिया जाए कि 10 अक्टूबर हरियाणा देश का बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी करके 3,000 रुपये किए जाएंगे। अब प्रदेश के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर पेंशन के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही पेंशन बन रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय IG सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनसंवाद, राशन डिपो में गड़बड़ की जांच करेगी CBI ACB। और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री के समक्ष दिव्यांग नागरिकों ने जिले में कुछ राशन डिपो पर गड़बड़ी की शिकायत की है। मुख्यमंत्री ने राशन डिपो पर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने सहित राशन से जुड़ी अन्य शिकायतों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को करने के आदेश भी दे दिए हैं, जिसको लेकर के सब लोग हैं सतर्क। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर ही 22 लोगों की पेंशन बनवाकर कार्ड प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को घरों के ऊपर गुजरने वाली बिजली लाइन को हटाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। तो दोस्तों जुड़े रहें, धन्यवाद।